गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सब? होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत घर से ही, जैसे कि आपने मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देखा कि मैं बाहर गया था और वहाँ के कुछ नज़ारे मैंने आपको दिखाए थे, जिसमें मैंने कोई फूड एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन फाइनली आज के व्लॉग में मैं आपको फूड एक्सप्लोर करने वाला हूँ। टाइटल और थंबनेल देख के आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज का वीडियो मेरा कौन से टॉपिक पे रहने वाला है। तो जी हाँ, मैं जब यूट्यूब देख रहा था तो नीचे उसका एड आ रहा था पिज़्ज़ा हट का, जो 4-बॉक्स पिज़्ज़ा है 349 में, जिसके साथ पेप्सी फ्री है, ऐसा करके। तो मैंने सोचा क्यों ना ये न्यू लॉन्च हुआ है तो इसको ही ट्राई किया जाए और इसको मैं बताऊँ कि इसका टेस्ट क्या है और कैसा है। तो उसमें ऑप्शन था तो मैंने 4 पिज़्ज़ास उसमें मैंने सिलेक्ट करके उसको ऑर्डर कर दिया है। जब ये ऑर्डर आता है तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किए। और बाय द वे, ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये पिज़्ज़ा हट की जो ऐप आती है उस पर से मैंने ऑर्डर किया है, ना कि जोमेटो या स्विगी से। तो फाइनली ये मेरा पिज़्ज़ा आ गया है, अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि मेरा क्या क्या रेट कितने में मुझे पड़ा है। तो मुझे ये पड़ा है 403 में, और इसमें मैंने मंगाया क्लासिक कॉर्न, क्लासिक कॉर्नियन कैप्सिकम, तंदूरी मशरूम, स्वीट कॉर्न और सिजवान कॉर्न एंड कैप्सिकम। और इसके साथ ये पेप्सी भी दी गई है जो फ्री है। और ये सबका 4 पिज़्ज़ा का मुझे 403 इंक्लूडिंग GST। और ये है सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, ये सबको साइड में कर देते हैं पहले। कुछ इस तरह की पैकिंग में आया गया है, इसमें जो पेपर बैग आती है उसमें नहीं लाया गया था, डायरेक्ट ऐसे में ही दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने पिज़्ज़ा हट के ऐप से मैंने ये ऑर्डर किया है, ना कि कोई अदर ऐप से। ये बॉक्स में ऊपर कहीं लिखा नहीं गया कि कौन से फ्लेवर का पिज़्ज़ा अंदर है, इसलिए तकलीफ़ तो पड़ेगी। पहले देखते हैं खोल के, जो अगर पहचान पाऊँगा वो ठीक है, वरना दूसरा देखना पड़ेगा कि कौन सा है। मैंने इसके सब पैकिंग को कट कर दिया है, चलिए अब एक एक करके ओपन करते हैं इसको। ये मुझे सिजवान कॉर्न पिज़्ज़ा लग रहा है। ये इसके ऊपर तो मुझे ये ऑनियन और कैप्सिकम दिख रहा है और चीज़। ये ऊपर भी कैप्सिकम है, कॉर्न है और सॉस है, ये भी कौन सा है देखना पड़ेगा मुझे। और ये लास्ट वन, ये भी कॉर्न ही है ऊपर, इसमें कॉर्न है और मुझे मशरूम लग रहा है, ये मशरूम कॉर्न वाला पिज़्ज़ा है। ये इसका मैंने देखा तो ये है क्लासिक ऑनियन और कैप्सिकम पिज़्ज़ा, ये है तंदूरी मशरूम स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा, ये है सिजवान कॉर्न कैप्सिकम पिज़्ज़ा और ये है क्लासिक कॉर्न पिज़्ज़ा। चारों को मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ कि किसका टेस्ट कैसा है और ये वर्थ है कि नहीं। वैसे अगर मैं इसमें टैक्सीस ना गिनूँ तो ये मुझे 349 रुपये का, यानी 349 रुपीज़ में ये 4 पड़े मुझे। तो ईच अगर देखने जाएँ, अगर हर एक का पिज़्ज़ा का प्राइस तो 87.25 जैसा होता है, जो मैं बोलता हूँ कि वर्थ है प्राइस के मामले में पिज़्ज़ा देखने जाए तो। अभी टेस्ट करके बताता हूँ कि सही में ये प्राइस में वर्थ है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं ट्राई करूँगा ये क्लासिक कॉर्न पिज़्ज़ा को। ठंडा नहीं है अभी क्योंकि ये जस्ट आया है इसीलिए, और नज़दीक से आता है मेरे घर से, ये पिज़्ज़ा हट का आउटलेट नज़दीक है तो ठंडा नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं क्लासिक कॉर्न पिज़्ज़ा को। ये रहा क्लासिक कॉर्न पिज़्ज़ा। इसके अगर मैं ब्रेड की बात करूं तो ब्रेड इसका बहुत ही सॉफ्ट आता है पहले से पिज़्ज़ा हट का। डोमिनोज का थोड़ा हार्ड आता है, लेकिन ये पिज़्ज़ा हट का जो ब्रेड आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। मैंने क्लासिक कॉर्न पिज़्ज़ा ट्राई किया इनका, ये क्लासिक कॉर्न पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, ये वर्थ लगा। इसमें ये जो सॉस का टेस्ट आ रहा है क्लासिक कॉर्न पिज़्ज़ा में, वो बहुत ही अच्छा आ रहा है, इसके साथ मैच हो रहा है ये। अभी ये दूसरा पिज़्ज़ा मैं ट्राई करूँगा जो है मशरूम स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा। तो ये मैंने ले लिया है मशरूम स्वीट कॉर्न पिज़्ज़ा। ये पिज़्ज़ा के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें जो सॉस का टेस्ट आ रहा है, मशरूम का जो टेस्ट आ रहा है ना, वो थोड़ा थोड़ा मुझे अचारी जैसा लग रहा है, अचार का जो टेस्ट आता है ना उसके जैसा लग रहा है। ये पिज़्ज़ा भी बहुत ही अच्छा। इसके बाद मैं थर्ड वाला पिज़्ज़ा ट्राई करूँगा, ऑनियन कैप्सिकम वाला पिज़्ज़ा, इसको भी ट्राई करता है।
ये रहा आप देख सकते हैं ऑनियन कैप्सिकम वाला पिज़्ज़ा, ऑनियन कैप्सिकम वाले पिज़्ज़ा में मुझे जो कैप्सिकम का टेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, और इसमें चीज़ का भी टेस्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये भी वर्थ है मैं बोलता हूँ, इसके अभी तक जो भी मैंने तीनों तीन पिज़्ज़ा ट्राई किए वो तीनों तीन बहुत ही वर्थ है। इसके बाद मैं इसका लास्ट वाला पिज़्ज़ा ट्राई कर रहा हूँ, सीज़वान सॉस विथ कॉर्न और कैप्सिकम, वो ट्राई करता हूँ अब मैं। ये ले लिया है मैंने सीज़वान सॉस कॉर्न और कैप्सिकम। ये पिज़्ज़ा के बारे में अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो ये थोड़ा स्पाइसी है, जिसको स्पाइसी नहीं पसंद उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मुझे भी स्पाइसी पसंद है, लेकिन इसका जिस तरह का टेस्ट आ रहा है उसमें वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा ये वाला पिज़्ज़ा। लेकिन आगे के उसके जो तीनों तीन पिज़्ज़ा थे वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन ये थोड़ा मुझे स्पाइसी लगा और टेस्ट में भी इतना खास नहीं लगा मुझे। तो फाइनली ये चारों पिज़्ज़ा को मैंने ट्राई कर लिया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सीज़वन सॉस वाला था वही खाली मुझे अच्छा नहीं लगा, वरना तीनों तीन फ्लेवर दूसरे जो थे वो सब अच्छे थे। फ्लेवर ऑफ फन बॉक्स बोला जाता है इसको। एक्चुअली ये मैं जब ये यूट्यूब स्क्रॉल डाउन कर रहा था ना तो बार बार नीचे ऐड आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है तो इसके ऊपर ही एक वीडियो बनाया जाए, इसलिए फिर मैंने इसके ऊपर आज ये वीडियो बनाया है। वैसे जहाँ पिज़्ज़ा का रेट बहुत हाई रहता है तो ये जो कॉलेजन होता है, कॉलेजन गर्ल्स बॉयज़ होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है, ये वर्थ है, क्योंकि 87.25 में मुझे ये पड़ा। अगर आप डाइनिंग करते हैं, डिलीवरी नहीं लेते, तो इससे भी सस्ता पड़ेगा आपको। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आज का ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते किसी और नए व्लॉग में किसी नए फूड को एक्सप्लोर करने के लिए, तब तक के लिए बाय।